नेता प्रतिपक्ष तथा राघोपुर विधायक तेजस्वी यादव आज महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के साथ बाढ़ का जायजा लेने राघोपुर पहुंचे तथा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हाल देखने पहुंचे तेजस्वी यादव खुद रिपोर्टर बन गए और अपने फेसबुक से लाइव रिपोर्टिंग कर लोगों को वहाँ का हाल दिखाने लगे। तेजस्वी राघोपुर के तेरसिया पहुंचे थे जहां पिछले दिनों नाव हादसा हुआ था। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसी इलाके का दौरा करने तेजस्वी आज जुड़ावनपुर तथा सरायपुर तेरसिया पहुंचे थे तथा सभी मृतकों को 25,000 की सहायता भी की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बकायदा अपने कैमरामैन से बोलकर चारों तरफ के बाढ़ का विकराल हालत को दिखाया और बताया कि बाढ़ से स्थिति भयावह है। लोगों को न अनाज मिल रहा है और न ही किसी प्रकार की सहायता पहुँचाई जा रही है। सरकार सोई हुई है और बिहार को डुबाकर सरकार नेताओं के स्वागत में लगी। शर्म नहीं आती नीतीश कुमार को हवाई जहाज से घूमने के जगह सरकार यदि हवाई जहाज से घूमने की जगह बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री पहुंचाने में लग दी तो लोग अनाज के भाव में इधर उधर नहीं भटकते। सरकार के स्तर से न पर्याप्त नाव की व्यवस्था है और न ही मेडिकल टीम उपलब्ध है। बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ने वाले कलंकित सरकार है या हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री में सूखा अनाज लोगों के बीच वितरण करे। उन्होंने कहा कि कैमरों की नजर से मैं सरकार से सभी को दिखा रहा हूं कि आखिरकार कैसे पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और सरकारी व्यवस्था नगण्य है। इस दौरान उन्होंने तेरसिया में जिन 2 बच्चों की मौत हुई है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनके परिजनों को 25,000 की राशि दी। महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा कि यदि बाढ़ प्रभावितों को सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। लगातार सूखा अनाज, आर्थिक सहायता, मेडिकल की सुविधा, कोविड की जांच के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अपने स्तर से भी बाढ़ पीड़ितों का अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन, पूर्व विधान पार्षद सुबोध राय, पूर्व विधायक भोला यादव, इंजीनियर पंकज संजीव सिंह, पूर्व मुखिया कपिलेश्वर राय, नागेंद्र राय, नंदू राय, सुभाष राय समेत कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। SDRF का इस्तेमाल करके कम से कम हवाई वितरण, सूखा राशन घर घर छत छत पहुंचाना चाहिए सरकार को और ये डेली काम होना चाहिए। जब तक पानी ना घटे, जब तक जो है यातायात ना सुधरे, सरकार का एक हेलीकॉप्टर आप बता दीजिए कि कहीं भी खाना, राशन, चारा बांटने का काम किया। खाली काम के नाम पे, लूट के नाम पे, खाली कम्युनिटी किचन एगो चालू कर देगा, दूगो चालू कर देगा, लेकिन सब लोग नहीं पहुंच पाता वहाँ खाने वाला। जाइए तेरसिया सरिया सरायपुर के लोग, एक को आदमी लोग जा रहे हैं वहाँ खाना पी रहे हैं, लोग डरा हुआ है, नाव में डूब जा रहा है। तो आप कम से कम राशन जो है वो आप पहुंचाने का काम कीजिए। राशन राहत आप पहुंचाइए घर घर, सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है। अब तो डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन किस बात का है? एक पैसा आप बताइए 6,000 नाम पे देते हैं, उसमें भी घपला होता है, जो आदमी जो है उस तक नहीं पहुंच पाता। महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, नाव में डीजल तेल जल रहा है, कहाँ से फूक रहा है सब? महंगाई तो असर कर ही रहा है। आप बताइए 6,000 रुपया से काम नहीं करेगा? जब तक पीड़ितों को 6,000 से 15,000 रुपया सरकार नहीं करती है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन हेलीकॉप्टर से नहीं कराती है, NDRF SDRF का नाव ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं बढ़ाती है, सूखा राशन मवेशी का चारा जब तक लोगों तक नहीं पहुँचाती है, इलाज की व्यवस्था नहीं कराती है, दवा नहीं पहुंचाती है, तब तक किस बात का सरकार? आप किसी भी आम नागरिक से अगर पूछेंगे तो कोई काम सरकार नहीं कर रहा, खाली 2-4 को नाव दे दिया है, उसी में लोग जो है लोग मुश्किल में गरीब में लोग जो चढ़ रहे हैं, जो सक्षम है चढ़ रहा है, जो सक्षम नहीं है वो नहीं चढ़ पा रहा। तो इसके लिए तो सरकार को कम से कम तात्कालीन जो है कमिटी गठित करके कितना नुकसान हुआ और तुरंत घोषणा कर देना चाहिए कि भाई 6,000 का जो जो पीड़ित लोग है उसको 6,000 से 15,000 रुपया हम करते हैं। ये करना चाहिए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहिए। मुख्यमंत्री डेली हेलीकॉप्टर